आपका चला जाता रास्ता खड़ल जापार। तो बहुत सिंपल सा वीडियो होने वाला है क्योंकि हम आए थे खरंजापाल, तो ये रास्ता आपका प्रकच्छा से चला आता है जो आप जानते ही होंगे, अत्यधिक लोग जानते होंगे। तो कुछ ऐसा नज़ारा है, यहाँ पे कुछ लोग आए हुए हैं और कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ का। आज स्थानीय लोग ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि बारिश की वजह से, पानी तो बारिश हुआ नहीं है और इस वजह से यहाँ पर कोई आ नहीं रहा है और आप यहाँ पर कोई वो है ही नहीं। तो दोस्तों इस वीडियो के वो हम शुरुआत तो हम कर सकते थे, बैक कैमरे से ही किया हमने। इस वीडियो को मैं चाहता तो फ्रंट कैमरे से शूट करता। आपको मैं बस इस वीडियो के माध्यम से बता दूं दोस्तों कि मिर्ज़ापुर की टेम्परेचर की बात की जाए तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है। इस समय मैं यहाँ पे हूँ और शाम के 3 बज चुके हैं और मैं ब्लैक सनग्लास भी लगाया हूँ, लेकिन काफ़ी धूप अधिक है और हम आपको क्या ही बताएं। उम्मीदों पे पानी फिर गया। मैं ऐसे लोकेशन पे आया और सोचा कि चीज़ें होंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बारिश है हुआ ही नहीं इस बार। लोग कह रहे हैं तो खरंजापाल में क्या ही है, बाकी लोग गर्मी में आए हुए हैं, अपना यहाँ पे पिकनिक स्पॉट है, पिकनिक मना रहे हैं। और आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं दिखा देता हूँ कि नॉर्मली पानी है और बहुत ज़्यादा पानी नहीं, बहाव है तो कुछ ऐसा है। और मेरे आप कहेंगे कि मेरे आवाज़ को क्या हो गया, तो आवाज़ को मैं क्या ही भी बताऊं, इतनी गर्मी है भाई साहब, इतनी गर्मी है, आप दूर दूर तक देख सकते हैं, बहुत कम ही लोग नज़र आएंगे। इतनी गर्मी है कि मिर्ज़ापुर में कुछ कहा नहीं जा सकता। और कुछ ऐसा लोकेशन है यहाँ पे, आप पानी बह रहा है देख सकते हैं और आगे का व्यू कुछ ऐसा है। ये है आपका खड़ंजा। खड़ंजा मतलब जब पत्थर के जब ईंट बनाए जाते हैं तो उसको जब बिछाया जाता है तो एक खड़ंजा जैसा रोड है, क्योंकि ये पत्थर खड़ंजे शेप में रहता है तो उसको खड़ंजा है। जब ये पानी अत्यधिक होता है तो ये पानी जब फ्लो करता है तो यहाँ से इतना वाटर लेवल अधिक हो जाता है तो इसके पुल के ऊपर से पानी जाने लगता है, तो यहाँ से पानी जब गिरता है तो मनोहर दृश्य लगता है, तो उसी को नाम दिया गया खड़ंजा फाल। खड़ंजा के रास्ते के ऊपर से जब पानी बहता है तो उसी को खड़ंजा फाल कहते हैं। बाकी कुछ ऐसा लोकेशन है दोस्तों, और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे पानी के बहाव कुछ ऐसा है। चलिए मैं पास से दिखाता हूँ आपको। और कुछ ऐसा लोकेशन है देख सकते हैं आप।
बड़े बड़े चट्टान है, चट्टानों के बीच से पानी जा रहा है। बाकी जो इंजॉय करने वाले हैं अपना इतने ही पानी में अपना इंजॉय कर ले रहे हैं और इतने ही पानी में अपना मनोरंजन कर रहे हैं। बाकी पानी का बहाव अत्यधिक तेज नहीं है, तो कुछ ऐसा लोकेशन है दोस्तों। हर जगह लोग अपना अपना बाटी चुका, कोई चिकन कोई नॉनवेज बनाया जा रहा है। यही पानी आगे जाता है और यही पानी साउथ कैंपस में दिया जाता है। और देख लीजिए आप, सोच रहे होंगे कि मैं जब से मिर्ज़ापुर का वीडियो शूट किया हूँ, बहुत सारे वीडियो में आपको बताया हूँ कि मिर्ज़ापुर में बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो आप लोग कह रहे होंगे कि क्या रोना रो रहा है और क्या ही बता रहा है कि गर्मी है तो गया ही क्यों। तो दोस्तों मेरा अचानक से ट्रिप बना और मैं चला आया यहाँ पर घूमने, तो मुझे अनुमान था कि गंगा जी में बाढ़ है तो आपका पहाड़ी इलाकों में बारिश हुई होगी, लेकिन जब मैं यहाँ आता हूँ मिर्ज़ापुर में तो मुझे पता चलता है कि यहाँ पे बारिश हुई नहीं इस साल, तो काफ़ी गर्मी है, उमस बहुत ज़्यादा है और इतना उमस है कि चारों तरफ पहाड़ हैं और पत्थर हैं, तो गर्मी तपिश निकल रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी है और इस गर्मी में मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो यही कुछ है और ये पीछे मेरे बैकग्राउंड में आपका वाटरफॉल्स है, छोटे छोटे रॉक पे से छोटे छोटे मतलब पानी के कण जा रहे हैं, वही है। तो वीडियो काफ़ी सिंपल है दोस्तों और हम मेरे एक्सपेक्टेशन से कुछ खरा उतरा नहीं और चीज़ें नहीं थी जो हम सोचे हुआ नहीं, तो इतना ही था वीडियो में दोस्तों और मैं क्या ही बताऊं, और बहुत कुछ मेरा मन था वीडियो शूट करने का लेकिन हो नहीं पाया, क्योंकि जब यहाँ के वाटरफॉल्स का ये हाल है तो आगे बहुत सारे वाटरफॉल्स है, तो उन सबको मैं क्विट करता हूँ और सोच रहा हूँ कि मैं निकलूँ वाराणसी के लिए। तो होप सो मैं नेक्स्ट मॉर्निंग निकलूँगा वाराणसी के लिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। तो अगर दोस्तों ये सिंपल एंड शॉर्ट वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को ट्रैवल विद स्माइल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहता हूँ, हालाँकि वीडियो तो मैं अच्छे अच्छे बनाता हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन इट्स नॉट माई फॉल्ट, आफ्टर ऑल देखा जाए तो भाई ये नेचर की प्रॉब्लम है, नेचर सही नहीं है, बारिश नहीं हुई तो क्या ही किया जाए। तो बाकी यही सब कुछ था, तब मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। हाय, गर्मी बहुत गर्मी है दोस्तों, मैं सच कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा गर्मी है, आप चेहरे इस पे देख रहे हैं, एकदम चेहरा मेरा गर्म हो चुका है, एकदम पूरा मैं स्वेट हो चुका है, मुझे पसीना हो चुका है एकदम। और चलिए कार अपने गाड़ी के पास चलते हैं और यहाँ से निकलते हैं। बाकी यही लोकेशन था यहाँ का, बहुत ज़्यादा गर्मी है।